स्टेशनरी वेव्स आज हम देखेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रिंग फ्री एट बोथ एंड्स। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट वन एंड। तो स्टेशनरी वेव्स के बारे में पिछले क्लास में हम लोग चर्चाएं किए थे। स्टेशनरी वेव्स एक ऐसा वेव है जिसमें एनर्जी फ्लो नहीं करता है, द एनर्जी doesn't flow from one point to another। अगर दो identical waves है जो कि आपस में opposite direction में आता हो एक line पर superpose करता है और superpose करने के बाद एक नया तरीके का wave बनता है जिसको हम लोग कहते हैं stationary और standing waves। progressive wave में क्या होता है, the disturbance ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और एनर्जी भी क्या होता है, ट्रैवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और उसमें यह भी होता है कि जो पिछले वाला पार्टिकल है पहले वाले पार्टिकल का जो डायरेक्शन है या कहा जाए जो ट्रेजेक्टरी है उसको फॉलो करता है। पर इस केस में यानी स्टेशनरी वेव्स के केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, उन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं नोड्स और नोडल पॉइंट्स। और कहीं कहीं पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं एंटी नोड्स। स्टेशनरी वेव्स बनने का शर्त यह है कि जो मीडियम होगा वो बाउंड होना चाहिए, यानी उसका सर्टेन बाउंड्री होगा। लीनियर हो सकता है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, कुछ भी हो सकता है, पर बाउंड्री को बाउंड होना पड़ेगा। देयर मस्ट बी सम बाउंड्रीज, यानी मीडियम को बाउंड होना पड़ेगा। दो नोड्स के बीच जो वाइब्रेशन होगा दैट विल बी इन सेम फेज, और दूसरे कंसेक्यूटिव दो नोड्स के बीच जो वाइब्रेशन होगा दैट विल अगेन बी इन सेम फेज। और दो नोड्स लैम्डा बाय टू डिस्टेंस में होता है और दो एंटी नोड्स भी लैम्डा बाय टू डिस्टेंस में होता है, लैम्डा वेवलेंथ है। अगेन ये है कि हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए नोड्स या एंटी नोड्स नहीं बनेगा, सर्टेन फ्रीक्वेंसीज के लिए ही नोड्स या एंटी नोड्स बनेगा और उन फ्रीक्वेंसीज को हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम लोग इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। हम कंसिडर करेंगे एक साइनोसोइडल वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वाई वन इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, जहां पर ए इज द एम्पलीट्यूड, लैम्डा इज द वेवलेंथ, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, टी दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम और एक्स इज द पोजिशन एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। दिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। नाउ रिफ्लेक्ट किया ये वेव और वो वापस आएगा, सो वापस आएगा तो दैट विल ट्रैवल अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। हम लोग यहां पर एक लीनियर बाउंड मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मीडियम। तब रिफ्लेक्टेड वेव का जो इक्वेशन होगा डिस्प्लेसमेंट का वाई टू दैट इज इक्वल टू ई डैश साइन
टू पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स। दिस इज अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। यहां पर लैम्डा वेवलेंथ है, वी वेव वेलोसिटी, और एक्स पोजिशन टी टाइम ए और ए डैश एम्पलीट्यूड है ए व्हेन द वेव इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड ए डैश व्हेन द रिफ्लेक्टेड वेव इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। नाउ ये दोनों वेव अगर सुपरपोज करेगा देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट will be y and this is equal to y1 plus y2 or this is equal to a sine 2 pi by lambda vt minus x plus a dash sine 2 pi by lambda vt plus x। तब हम लोग देखेंगे कि इसमें फेज चेंज कितना होता है या होता है भी कि नहीं। इसके लिए हम लोगों को कुछ बाउंड्री कंडीशन लगाना होगा एंड दैट बाउंड्री कंडीशन इज गिवन बाय dy by dx that is equal to 0 at the boundaries। अगर l length है string का तब at x equal to 0 and at x इक्वल टू l बाउंड्री होगा और वहां पर dy by dx जीरो हो जाएगा। इसलिए क्योंकि प्रेशर वेरिएशन p दैट इज माइनस k dy by dx और बाउंड्री में कोई इनर्शिया नहीं होगा देयरफॉर dy by dx विल बी जीरो एट द बाउंड्रीज। k इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम। तो इस कंडीशन को अगर हम इस इक्वेशन में यूज करें इसको तो हम देखते हैं क्या आता है। लेट अस यूज इट। अब वी हैव टू डू डी वाई बाई डी एक्स। यहां से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां से माइनस 2 a pi by lambda cos टू pi by lambda vt minus x प्लस 2 पाई इडेस बाय लैम्डा कॉस 2 पाई बाय लैम्डा वीटी प्लस एक्स। और बाउंड्री कंडीशन अगर लगाए एट x इक्वल टू जीरो तब जीरो इज इक्वल टू माइनस टू पाई ए बाई लैम्डा कॉस
टू पाई बाई लैम्डा बी टी प्लस टू पाई ए डैश बाई लैम्डा कॉस टू पाई बाई लैम्डा वी टी ये जीरो के बराबर है. देन फ्रॉम हेयर वी गेट दैट ए इक्वल टू ए डैश यानी जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड भी ए के बराबर होगा. यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए डैश इक्वल टू ए यानी देर विल बी नो फेज रिवर्सल ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव. तब जो हमारा वेव होगा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए और ए डैश. ए डैश के बदले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे ए लिखेंगे. देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ द वेव क्या हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन टू पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स प्लस ए साइन टू पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स. तब हम यूजिंग द आइडेंटिटी साइन c प्लस साइन d इक्वल टू टू साइन c प्लस d बाई टू कॉस c माइनस d बाई टू उसको हम लोग यूज करें इसमें. तब क्या हो जाएगा y इक्वल टू इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन लिख सकते हैं दे दीजिए y इक्वल टू a टू साइन टू पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स प्लस वी टी प्लस एक्स बाई टू कॉस टू पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स माइनस वी टी माइनस एक्स बाई टू यानी वाई इक्वल टू टू ए साइन टू पाई बाई लैम्डा वी टी कॉस टू पाई बाई लैम्डा एक्स और दिस कैन बी रिटन एज टू ए कॉस टू पाई एक्स बाई लैम्डा साइन टू पाई बाई लैम्डा वी टी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज द रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टेशनरी वेव विच इज वन डायमेंशनल स्टेशनरी वेव विच इज free at both ends. Here the amplitude A is given by 2A cos 2 pi x by lambda or the period is same. Now the particle velocity is dy by dt and this is equal to 4 pi a
by lambda cos 2 pi x by lambda cos 2 pi by lambda v t. There will be v here. 4 pi a v by lambda cos 2 pi x by lambda cos 2 pi by lambda to v t. Now, the particle acceleration d2y by dt square is equal to minus 8 pi a v square by lambda square cos 2 pi x by lambda sin 2 pi v t by lambda. This is the particle acceleration. And the pressure variation P, we know that is equal to minus k dy by dx. K is the bulk modulus. So, this is given by minus k and dy by dx. So, this is minus 4 pi a by lambda cos 2 pi x by lambda sin 2 pi x by lambda sin 2 pi by lambda vt, and this is equal to 4 pi a by lambda k sin 2 pi x by lambda sin 2 pi by lambda v t. So, let this be equation number 3. This is equation number 4 and this is equation number 5. So, this is the particle velocity, particle acceleration. There will be square here. And pressure variation in terms of position x and time t for the standing wave, which is free at both ends. Now, we shall see the change with respect to position. At positions sin 2 pi x by lambda equal to 0 cos 2 pi x by lambda will be equal to plus minus 1. In that case, the displacement y will be maximum. The particle velocity dy by dt will be maximum. Also, the particle acceleration d2y by dt square will be maximum. And the pressure variation P will be 0. Now, these points will occur at since sin 2 pi x by lambda equal to 0, therefore,
2 pi x by lambda will be equal to pi 2 pi 3 pi zero pi 2 pi 3 pi etc. Therefore, x will be at 0 and lambda by 2, 2 lambda by 2, 3 lambda by 2, etc. Now, these points are called antinodes, and they are the consecutive antinodes are lambda by 2 apart. From here you can see it is lambda by 2 apart. Now, at positions 2 pi x by lambda equal to plus minus 1 cos 2 pi x by lambda equal to 0, displacement y equal to 0, particle velocity dy by dt equal to 0, particle acceleration d2y by dt square equal to 0. This is all we can see from here, putting the value of sin 2 pi x by lambda and cos 2 pi x by lambda in these equations, we get these values. So, d2y by dt square is equal to, from here it will again be equal to 0, and the pressure variation P, from here we can see this is going to be maximum. So, these points will be called nodes, and for finding out the nodes we have 2 pi x by lambda is going to be pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, etc. Therefore, x is going to be lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4, etc. Here also we see that the consecutive nodes will be lambda by 2 apart, which we can see from here, 3 lambda by 4 minus lambda by 4, so lambda by 2, 5 lambda by 4 minus 3 lambda by 4, that is lambda by 2 apart. So, we see that in the both the cases, that is for nodes and antinodes, kya hota hai ki wo lambda by 2 distance apart mein rehte hai, yani wavelength ke aadhe duri par consecutive nodes और कॉन्सिक्यूटिव एंटीनोड्स रहेंगे या बनेंगे. अब हम लोग देखेंगे चेंज
विद रिस्पेक्ट टू टाइम. At instance, sine 2 pi vt by lambda equal to 0, तब क्या होगा? Cos 2 pi vt by lambda will be plus minus 1. और इस instance पर क्या हो जाएगा? Displacement y will be maximum, it will be 0 यहां से. The velocity, particle velocity dy by dt, this will be maximum. The particle acceleration d2y by d t square, ये this will be again 0, and the pressure variation p will be equal to 0. So these points or this instance will occur at 2 pi v t by lambda equal to 0 pi 2 pi etc. or 2 pi. Now lambda by v is the time period capital T. So we have 2 pi t by t equal to 0 pi 2 pi 3 pi etc. or t equal to 0 from here t by 2 2 t by 2 3 t by 2 etc. So we see that for this to happen, इन सब होने के लिए क्या होगा? ये instant एक time period में दो बार होगा. अब देखेंगे हम लोग at instant sin 2 pi vt by lambda plus minus 1 और cos 2 pi vt by lambda जब 0 होगा तब sin 2 pi vt by lambda plus minus 1 होगा. इस केस में the displacement y will be maximum, the particle velocity dy by dt ये 0 हो जाएगा, पार्टिकल एक्सेलरेशन डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर ये मैक्सिमम होगा, और प्रेशर वेरिएशन पी दिस विल बी अगेन मैक्सिमम. सो ऐसा इंस्टेंट कब होगा? जब 2 pi vt by lambda equal to 5 by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 etc. हो, और 2 pi t by t pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 etc. हो, और t equal to यहां पर
T/4, 3 T/4, 5 T/4, एक्सेट्रा। ये कैपिटल टी टाइम पीरियड है, हम जानते हैं। सो ऐसा एक टाइम पीरियड में दो समय आएगा जब ये स्थिति होगी, T/4 एंड 3 T/4, इसके बाद वो एक टाइम पीरियड के बाद चला जाएगा। सो नाउ वी शैल सी द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, जो इसका अंतिम पार्ट होगा। जब बोथ बाउंड्री फ्री होगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, y इक्वल टू 2a cos 2 पाई x by lambda sin 2 पाई vt by lambda। और हमारा बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू l dy by dx will be 0। Now for this to happen, देखते हैं, dy by dx is equal to minus 2 into 2 pi by lambda sin 2 pi x by lambda sin 2 pi vt by lambda or a, yani this is equal to minus 4 pi a by lambda sin 2 pi x by lambda sin 2 pi vt by lambda। L is the length of the string, यानी जो अंतिम छोर होगा। ये जीरो है फॉर x इक्वल टू l, dy/dx इतना हो गया। फॉर x इक्वल टू l dy by dx इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 पाई a by lambda sin 2 pi l by lambda sin 2 pi vt by lambda। और ये इक्वेशन होल्ड करना चाहिए फॉर एवरी या एनी वैल्यू ऑफ t, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t द अबव इक्वेशन मस्ट होल्ड। तब क्या होगा, फॉर दैट साइन 2 पाई एल बाय लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0, और 2 पाई एल बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू पी पाई, वेयर पी इक्वल टू 1, 2, 3 like this। Therefore, or we have L equal to P lambda by 2, also the frequency
फ्रीक्वेंसी एन इक्वल टू वी बाय लैम्डा. सो दिस इज इक्वल टू और फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट लैम्डा. सो लैम्डा इक्वल टू टू एल बाय पी. देयरफॉर एन विल बी इक्वल टू वी बाय लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू वी बाय टू एल बाय पी. दैट इज वी पी बाय टू एल और द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी पी बाय टू एल पी इक्वल टू वन टू थ्री लाइक दिस. सो एन कैन बी रिटन एज पी वी बाय टू एल और फ्रॉम हेयर हम लोग लिख सकते हैं एन इक्वल टू वी बाय टू एल टू वी बाय टू एल थ्री वी बाय टू एल एक्सेट्रा. सो यहाँ से हम पाते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और बाकी सब फ्रीक्वेंसी क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जैसे टू वी बाय टू एल थ्री वी बाय टू एल एक्सेट्रा. यानी इस केस में सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है. दिस आर द हायर फ्रीक्वेंसीज एंड सो एज द हायर फ्रीक्वेंसीज आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका मतलब यह हो कि सभी फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स पॉसिबल है इस केस में. सो ये था हमारा एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर द स्ट्रिंग फ्री एट बोथ द एंड्स. इस तरह का एग्जाम्पल होता हो सकता है ऑर्गन पाइप जो कि जिसका कि दोनों एंड खुला हुआ हो या ओपन ऑर्गन पाइप्स.